So hello guys, मैं वल्केश सोलंकैन, यू आर वॉचिंग मरीन ज्ञान, इट्स अ सी फेयर्स वॉइस। सो मैं आज आप लोगों को ले जाने वाला हूँ फोरकास्टर डेक में। वहाँ पे आप लोग को पता चलेगा, एक्चुअली आप लोगों ने बुक्स में तो सब देखा होगा। स्पेशली ये ट्रेनिंग्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं रहता और थोड़ा बहुत आइडिया भी नहीं रहता है, बुक्स में पता नहीं चलता कि ये क्या क्या है। सो मैं आप लोगों को वहाँ जाके दिखाने वाला हूँ कि मूरिंग ड्रम, वार्पिंग ड्रम किसको बोलते हैं, मूरिंग हाउजर किसको बोलते हैं, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे कि फेयर लिड्स, पनामा लिड्स और बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोग को वहाँ पर जाके दिखाने वाला हूँ। एंकर जिप्सी, एंकर केबल, वो सभी चीज़ें देखेंगे, बाउ स्टॉपर वगैरह सभी मैं चीज़ें आप लोग को दिखाने वाला हूँ। सो लेट्स गो टू फोरकास्टर डेक। फिलहाल बाहर आ गए और मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि वहाँ आगे जाते जाते कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मूरिंग हाउजर हो गया, मूरिंग रॉक्स हो गए, हासल हो गए, ये सभी एक ही चीज़ है, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज मत होना उस सब चीज़ों को लेके, और डायरेक्टली हम लोग अभी चलते हैं फोरकास्टर डेक में। सो लेट्स गो। सो हम लोग आ गए हैं फोरकास्टर डेक पे, आप लोग देख सकते हो, लेकिन कुछ ज़्यादा ही हाइट पे आ गए, सो मैं आप लोगों को नीचे लेके जाके दिखाता हूँ और सभी चीज़ें दिखाऊंगा, लाइक मूरिंग विंच किसको बोलते हैं, वार्पिंग ड्रम किसको बोलते हैं, एंकर जिप्सी किसको बोलते हैं, एंकर केबल किसको बोलते हैं, स्पर्लिंग पाइप और होस पाइप, बाउ स्टॉपर, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो आप पूरा देख लीजिए और यहाँ पर आप लोग को आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअल में ये कैसा दिखता है। ओके, सो मैं आप लोग को नीचे ले चलता हूँ। सो हम लोग आ गए फिलहाल नीचे, मैं आप लोगों को एक एक चीज़ करके दिखाऊंगा, सभी चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। सो ऐसा मत समझना कि ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो फालतू में है। सो जैसे कि आप लोग को दिखाता हूँ अभी मैं यहाँ पे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बीट्स है, वो तो नॉर्मल सभी को मालूम ही होगा, ये है कैप्सेंट, ठीक है। ये सभी यहाँ पे जो भी है एक दो रखा है, मतलब यहाँ से ये लीड चेंज करने के लिए, या रोप आपको अगर इधर पास करनी है तो इसके लिए यहाँ पे शिफ्ट किया हुआ है, ये एक दो, यहीं पे तीसरा भी है आप देख सकते हो। सो ये लीड चेंज करने के लिए दो तीन जितने भी है वो सब इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, और ये सभी को मालूम होगा फेयर लीड्स जिसको बोलते हैं, ये रोलर वाला फेयर लीड्स है, बाकी सब जगह पर अलग अलग रहता है, डिफरेंट डिफरेंट रहता है, यहाँ पर ये मूवेबल रहता है देख सकते हो आप। और बाकी ये हो गया फेयर लीड्स अपना, ये सभी बीट्स है, बीट्स भी आप लोग को बहुत सारी जगह पे मिलेंगे क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है ये सभी चीज़ें। ये अपना हो गया फेयर लीड्स, फेयर लीड्स इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि ये साइड में है, वरना इसका नाम पनामा लीड्स भी है, तो पनामा लीड जो बिल्कुल सेंटर में रहता है उसको पनामा लीड बोलते हैं। यहाँ पे साइड में है आप देख सकते हो, ये बाव के ऊपर है, तो ये साइड में है, वहाँ पे जो सेंटर में आपको दिखेगा वो वाला, वो हो गया अपना पनामा लीड। सो यहाँ पे आप लोग को दिखाता हूँ अभी एंकर की चीज़ें, ये हो गया हमारा बाउ स्टॉपर, अभी मैं निकाल नहीं सकता बिकॉज सेलिंग है। सो ये ऐसा हाइट पे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, इसको थोड़ा सा आपको यहाँ पे ऊपर करके इसको निकालना है, जैसे ये ऐसे नीचे करेंगे, ये प्रेस करोगे, ये वाला पार्ट है ऊपर आ जाएगा, सो केबल फ्री हो जाएगा। अभी देख सकते हो यहाँ पे स्टॉप करके रखा है केबल को, केबल एक्चुअली यहाँ पे स्टॉप है, इसकी वजह से जा नहीं पाएगा, और वहाँ पे पीछे ब्रेक भी दिया हुआ है, सो ब्रेक से भी स्टॉप है। और यहाँ से केबल जिसके अंदर से जाता है उसको हम लोग बोलते हैं होस पाइप, ये वाला होस पाइप हो गया जिससे जहाज के बाहर निकलता है केबल, और जो केबल के अंदर, जहाज के अंदर लेके जाता है, ये वाला इधर अंदर देख सकते हो, वो वाला हो गया हमारा स्पर्लिंग पाइप, ये एंकर केबल हो गया, ये लगलेस जॉइनिंग सेकल, जैसे कि आप लोगों ने ट्रेनिंग में पढ़ा ही होगा, लगलेस जॉइनिंग सेकल कुछ ऐसा रहता है, वो लिंक के साथ कनेक्टेड रहता है। और यहाँ पे हो गया ये हमारा एंकर जिप्सी, ये पूरे पार्ट को हम लोग बोलेंगे एंकर जिप्सी। ये हमारा हो गया मूरिंग ड्रम, मूरिंग ड्रम इस पे जिस पे रोप लगी रहती है उसको बोलते हैं मूरिंग ड्रम, उसमें भी बहुत सारे पार्ट्स है, उसके पूरे नाम मैं आप लोग को नहीं बताऊंगा, जो ये ब्रेक है, ये ब्रेक के थ्रू आपको ओपन करना है और रोप्स वगैरह निकाल सकते हो, एंगेज डिसएंगेज के लिए ये ऑप्शन है यहाँ पे, ये ऐसा करके एंगेज हो गया, ये डिसएंगेज हो गया,
सो और भी चीज़ें बहुत सारी है इसमें, पूरी मैं आप लोग को अभी नहीं दिखाऊंगा। और ये आप देख सकते हो एंकर जिप्सी फुल है, एंकर जिप्सी। यहाँ पे है ब्रेक, एंकर जिप्सी का ब्रेक है ये। जैसे ही हम लोग ब्रेक ओपन करेंगे केबल जाएगा, जब ये एंकर डालना है तब यहाँ पे एंकर स्टेशन जो बोलते हैं वो यहीं पे होता है। ये ब्रेक ओपन करोगे केबल चला जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ ये स्पर्लिंग पाइप, यहाँ पे केबल अंदर जाता है। जैसे देख सकते हो आप केबल अंदर जाता है यहाँ पे, ये पार्ट को बोलते हैं हम लोग स्पर्लिंग पाइप। देख सकते हो दोनों साइड सेम है, सभी जहाज में दोनों साइड रहता है, पोर्ट साइड और स्टारबोर्ड साइड। ये हमारा हो गया पोर्ट साइड, ये हमारा हो गया स्टारबोर्ड साइड, सेम अरेंजमेंट रहता है दोनों साइड। और ये है हमारा वार्पिंग ड्रम, वार्पिंग ड्रम पे जो लूज रोप वगैरह रहती है वो हम लोग इसके ऊपर हीव अप करके रखते हैं। फिलहाल हम लोग सेलिंग में, इसके लिए यहाँ पे हम लोगों ने लूज रोप भी नहीं छोड़ रखा है, बिकॉज सेलिंग में हमेशा रिस्क रहता है रोप जाने का। सो आप देख सकते हो, यहाँ से मैं आप लोग को फुल व्यू दिखाता हूँ कि एक्चुअल में कैसे दिखता है। आप लोग देख सकते हो ये वाला, ये हमारा हो गया फुल्ली, ये हो गया हमारा एंकर जिप्सी, मूरिंग ड्रम्स दोनों, और ये है वार्पिंग ड्रम, जो ये लास्ट वाला है उसको वार्पिंग ड्रम बोलेंगे। ये सभी अरेंजमेंट, यहाँ पे बहुत सारा और भी चीज़ें हैं, वो सभी अरेंजमेंट दिया हुआ है। जो फॉरवर्ड मास्ट आप लोग को जैसे कि मालूम है, ये हो गया हमारा फॉरवर्ड मास्ट। ये सभी को मालूम ही होगा कि फॉरवर्ड मास्ट सभी जहाज के फॉरवर्ड में रहता है। सो ये हमारा हो गया फॉरवर्ड मास्ट, ये फुल है। सभी वेसल पे रडर स्कैनर नहीं रहते, यहाँ पे मेरा ये वेसल फीडर वेसल है, छोटा वेसल है। सर स्कैनर भी आगे दिया हुआ है, ये एक्चुअली हेल्थ के लिए ख़राब है लेकिन है यहाँ पे जहाज पे, क्योंकि सेफ्टी रीजन से बहुत सारे पोर्ट्स करते हैं, डेट्स वाई। और कंटेनर का वीडियो भी मैं बनाने वाला हूँ, कंटेनर वेसल पे सभी पार्ट्स को क्या क्या नाम देते हैं। सो यहाँ पे ये जो विंड ब्रेकर है, ये सभी आपको ओनली कंटेनर वेसल में मिलेंगे, जिसको बोलते हैं हम लोग विंड ब्रेकर। सो जैसे कि आप लोगों ने देखा पूरा पार्ट्स है, और मैं कंटेनर के ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूँ, कंटेनर वेसल के पार्ट्स के ऊपर कि कंटेनर वेसल में कौन कौन सा, सब डिफरेंट डिफरेंट वेसल पे डिफरेंट डिफरेंट नाम रहते हैं, आप सभी लोगों को मालूम है। बल्क कैरियर किया है उसको कंटेनर में जब फर्स्ट टाइम आएगा थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, सो इसीलिए यहाँ पे सभी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। और ये फुल व्यू मैंने जैसे कि आप लोगों को दिखाया वो आप देख सकते हो, ये है हमारा फॉरवर्ड मूरिंग स्टेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं फोरकास्टल डेक। सो आज की यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ये वाला वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप लोग को ऐसे ही वीडियोस मेरे मिलते रहेंगे। ऐसे ही ट्रेनिंग के रिलेटेड मैं ये वीडियोस बनाने वाला हूँ अभी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।